विजयते श्री बालकृष्ण प्रभु श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। दशहरा अर्थात विजयोत्सव, भक्ति की विजय, लौकिक पर अलौकिक की विजय, प्रेम की विजय। भेद प्रभेद से नौ प्रकार के सगुण भक्त एवं दसवें निर्गुण भक्तों के प्रेम की विजय का प्रतीक है विजयादशमी यानी दशहरा का उत्सव। श्री स्वामी जी एवं उनकी अष्ट सखियों के संग के नव विलास के पश्चात दशहरा आता है। नव विलास नवधा भक्ति का द्योतक है एवं दशहरा प्रेम लक्षणा भक्ति का। नवधा भक्ति अर्थात जो श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंध में प्रहलाद जी उपदेश करते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। और प्रेम लक्षणा भक्ति यानी ऐसी भक्ति जिसका लक्षण ही प्रेम हो। यानी अब नवधा भक्ति के प्रत्येक अंग के साथ एक और विशिष्ट भाव जुड़ गया, प्रेम का। श्रीमद् भागवत दशम स्कंध रास पंचाध्यायी में लघु रास के पूर्व गोपिकाओं की अवस्था का वर्णन आता है। दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्र ताप धुता शुभा ध्यान प्राप्त अच्युता श्लेष निर्वृत्याक्षीण मंगला। अर्थात अपने प्रियतम के असहनीय विरह से जनित तीव्र ताप से गोपिकाओं के सारे अशुभ धुल गए हैं। यहाँ टीकाकारों ने अशुभ पद का अर्थ काम लिया है और उसी के उत्तर श्लोक में आता है जहुर गुणमयम देहम, यानी गोपिकाओं ने अपनी गुणमय देह त्याग दी है यानी निर्गुण अवस्था को प्राप्त हो गई हैं। अरे वह गोपिकाओं का निर्गुण प्रेम ही तो है जिसे प्रभु शिरोधार्य करते हैं। प्रेमैव गोप रामाणाम कामेत्यगमत प्रथाम। नवविलास के प्रथम दिन भक्ति के बीज रूप में जो रोपा जाता है, अंकुरित पल्लवित हो वृद्धि पाकर जो प्रेम लक्षणा भक्ति रूपी पूर्णता को प्राप्त करता है, वह जवारा प्रभु अपने श्रीमस्तक पर धारण करते हैं। और पता है श्री स्वामी जी के चरण चिन्हों में से एक चिन्ह जव का भी है। अपनी प्रिया के प्रति अधीनत्व सूचित करने के लिए भी प्रभु श्रीमस्तक पर जवारा धरते हैं। पुष्टिमार्ग में दशहरा काफ़ी महत्व का दिन है, न केवल भाव पक्ष से अपितु सेवा क्रम में परिवर्तन की दृष्टि से भी। इस दिन से जरी के वस्त्र और चीरा प्रारंभ हो जाते हैं, मंगला में फड़का का वागा धराया जाता है। अब से मंगला और शयन में प्रभु निज तिवारी में नहीं पधारते हैं, निज मंदिर में ही विराजते हैं। शयन में चादर के साथ दुलाई उड़ाई जाती है। दशहरा से गोपाष्टमी तक प्रभु के सन्मुख गाय की खिरक पधराई जाती है। शयन में माला की जोड़ बंद हो जाती है। दशहरा से कार्तिक पूनम तक आकाश दीप या दीवा डांडी प्रगटाई जाती है। दशहरा के दिन प्रभु को श्वेत जरी के वस्त्र धराते हैं, सफ़ेद चीरा और ठाड़े स्वरूप को घेरदार वागा धराते हैं। माणिक की जोड़ी, चार कर्ण फूल, सादी चंद्रिका और भारी श्रृंगार होते हैं। विशेष रूप से ठाड़े स्वरूप को ढाल तलवार धराते हैं। उत्थापन भोग सरने के बाद खंडपाठ चौकी पे से चौपड़ बड़ी हो जाती है और पाठ पे शतरंज सजाई जाती है। प्रभु के तिलक होते हैं, तुलसी समर्पते हैं और फिर श्रीमस्तक पे से चंद्रिका बड़ी करके उसके स्थान पर जवारा धराया जाता है। तत्पश्चात उत्सव भोग आते हैं जिसमें विशेष रूप से माठ के दसनक धराए जाते हैं और अथाणा यानी कैरी का अचार आता है। माठ यानी मठड़ी का ही बड़ा, काफ़ी बड़ा स्वरूप है जिसमें तिल भी होते हैं और जो चाशनी में पूरा पका होता है। इस उत्सव पर श्री महाप्रभु जी के चरण कमल में यही विनती है कि ब्रजभक्तों के समान हमारे अंदर भी भक्ति का अंकुर फूटे, प्रेम का संचार हो और प्रभु हम पर कृपा करें। आप सभी को दशहरा की अनेकानेक बधाई। शिवल्लभाधीश की जय।